हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए, आज के इस लेसन में हम बात करेंगे 7 अगस्त से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे इस लेसन में कंप्लीट करने वाले हैं। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ आपको हिंदी व इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसकी PDF मिल जाएगी। और अगर आप पहली बार अपने चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इसे दबाकर साथ जो बेल आइकन है साइड में, इसे जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही हमारी जो डेली की करंट अफेयर्स की अपडेट्स है वो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी बिना मिस हुए। और देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं प्रेजेंट में अनअकैडमी पर भी अवेलेबल हूँ, जहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन है, इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने के बाद में आप मुझे यहाँ पर सर्च करके फॉलो कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके भी आप मुझे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो, जिससे कि जो यूट्यूब के अलावा अदर लेक्चर्स हैं, अदर वीडियोस हैं, वो आपको वहां पे मिल जाएगी देखने के लिए। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो क्विज थी आपके लिए, उसका राइट आंसर था डरबन। देखिए, क्वेश्चन था कल की क्विज का कि तीसरा ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल कहां संपन्न हुआ है, तो आपका राइट आंसर होगा ये हुआ है डरबन, जो कि दक्षिणी अफ्रीका की ही एक सिटी है, वहीं पे इसका आयोजन किया गया था। और आपको बता दें, ये इसका तीसरा संस्करण था, जिसका आयोजन किया गया है 22 से और 27 जुलाई के बीच में इसका आयोजन किया गया था। देखिए, इस फेस्टिवल की अगर बात करते थे, इसके अंदर जो भारतीय मूवी है जिसका नाम है न्यूटन को इसके अंदर बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था। और जो हमारी भारतीय जो एक्ट्रेस है, अभिनेत्री है, जिनका नाम है बानीता दास, उनको इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। उनकी जो मूवी थी रॉक स्टार, उन्हीं के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। तो देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा इम्प्रिंट 2 के तहत उच्च शिक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 122 नई शोध परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसके लिए कुल कितना बजट पास किया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा 112 करोड़ रुपए का ये बजट पास किया गया है। टोटल 122 नई योजनाएं जो है शुरू करने की यहां पे घोषणा की है, जिनके लिए बजट पास किया गया, वो किया गया है 112 करोड़ रुपए का। ठीक है, देखिए आपको बता दें, ये जो योजनाएं शुरू की जा रही है, इसका जो टारगेट है वो यही है कि जो उच्च शिक्षा में जो अनुसंधान क्षेत्र है उनको बढ़ावा देने के लिए ही ये विभिन्न तरह की 122 नई शोध परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसके अंदर देखिए जो ऊर्जा है, हेल्थ केयर, सुरक्षा, ये सारे फील्डों से संबंधित परियोजनाएं यहां पे शुरू की जाएगी। देखिए, आपने यहां पे ये इम्प्रिंट हाईलाइट दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है ये भी हम जान लेते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इम्पैक्टिंग रिसर्च एंड इनोवेशन टेक्नोलॉजी, जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यानी कि जो ये इम्प्रिंट है, ये एक तरह की एक पहल है, जो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय है उसी के द्वारा इस पहल को शुरू किया गया था, और जिसका टारगेट था जो प्रौद्योगिकी यानी जो टेक्नोलॉजी संबंधित जो विभिन्न तरह की जो परेशानी आती है, चुनौती आती है, उसको सामना करने के लिए ही इस इम्प्रिंट का यहाँ पे शुरुआत किया गया था। ठीक है, प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने किस योजना के लिए 6,39,00,000 रुपये का बजट आवंटित किया है, तो आपका राइट आंसर होगा मौसम योजना के लिए। देखिए, ये बजट पास किया है इन्होंने, वो 2 साल के ड्यूरेशन के लिए पास किया गया है। टोटल 2018-19 और 2019-20 के लिए ये बजट यहाँ पे पास किया गया है। देखिए, मौसम योजना की हमने बात की है, वैसे कोई नई योजना नहीं है, इस योजना की शुरुआत हो चुकी थी जून 2014 के अंदर, इसकी शुरुआत हो चुकी थी इस योजना की। ठीक है, लॉन्च किया गया था, और इसके बाद में देखिए इसका जो मकसद था इस योजना का, वो यही है जो हिंद महासागर के विभिन्न जो तटवर्ती इलाके हैं उनको आपस में जोड़ना ही इस योजना का मेन मकसद है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए और बता दूं आपको कि इसकी जो शुरुआत की गई थी, उसका टारगेट यही था कि जो हिंद महासागरीय देश है उनके बीच में आपसी तालमेल बनाना, आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ही ये मौसम योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा लोकतंत्र का त्यौहार नामक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा केरल के अंदर ही इसका उद्घाटन किया गया है। देखिए, जो प्रोग्राम है इसका नाम दिया गया है लोकतंत्र का त्यौहार, और इसकी जो शुरुआत की गई है वो की गई है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। देखिए, केरल का जो तिरुवनंतपुरम जो है वहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, उन्हें हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने फिजी इंटरनेशनल खिताब 2018 अपने नाम कर लिया है या जीत लिया है, तो आपका राइट आंसर होगा गगनजीत बुल्लर। देखिए, जो गगनजीत बुल्लर है वो भारतीय गोल्फर है, और इन्होंने के द्वारा ये फिजी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2018 जो संपन्न हुई है फिजी के अंदर, ये खिताब इन्होंने जीता है। आपको बता दें, ये ऑस्ट्रेलिया टूर पर जीत हासिल करने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं इसी के साथ। ठीक है, देखिए फिजी की हमने बात की, तो फिजी की जो कैपिटल है वो है सुवा, यहाँ की कैपिटल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला हॉकी विश्व कप 2018 का खिताब किस देश ने जीता है? तो आपका राइट आंसर होगा नीदरलैंड। देखिए जो नीदरलैंड है उसी के द्वारा खिताब जीता गया फाइनल, और ये फाइनल जो जीता है नीदरलैंड ने वो जीता है आयरलैंड को हरा कर, ये खिताब इन्होंने जीता है। यानी कि जो महिला हॉकी विश्व कप का जो फाइनल हुआ था और नीदरलैंड आयरलैंड के बीच में हुआ था, जिसमें जो विजेता रहा है वो रहा है नीदरलैंड और उप विजेता रहा इसमें आयरलैंड। देखिए यहाँ पे अगर भारत की पोजिशन हम देखते हैं तो भारत इसके अंदर जो है क्वार्टर फाइनल में ही बाहर हो चुका था इस प्रतियोगिता के अंदर, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए नीदरलैंड की हमने बात की है तो नीदरलैंड की जो करेंसी है वो है यूरो, यूएसडी यहाँ की जो है करेंसी है, और यहाँ की जो कैपिटल है राजधानी वो है एस्टरडम यहाँ की राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड बैंक ने हरियाणा राज्य में 8 नई जल परियोजनाओं के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है? तो आपका राइट आंसर होगा 722 करोड़ रुपए। देखिए यहाँ भी नाबार्ड बैंक है, इन्हीं के द्वारा ये बजट पास किया गया टोटल 722 करोड़ रुपए का, और इसका मकसद है हरियाणा राज्य में 8 नई जल परियोजनाओं के लिए ये बजट यहाँ पे पास किया गया है। देखिए इन जल परियोजनाओं का शुरू करने का मकसद यही होगा कि इससे जो बेनिफिट होने वाला है वो होने वाला है लगभग 256 गाँवों सहित 72 टोलों को जो है इससे जल आपूर्ति की जाएगी इन नई जल परियोजनाओं से, ठीक है। अब यहां पे देखिए हमने नाबार्ड की बात की है तो नाबार्ड क्या है ये भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका कार्य होता है विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी नाबार्ड, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई के अंदर, और इसकी स्थापना की गई थी 1982 में नाबार्ड बैंक की जो है स्थापना हुई थी। यहाँ पे किसने टेस्ट बल्लेबाजों की आईसीसी प्लेयर रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो आपका राइट आंसर होगा विराट कोहली। देखिए जो आईसीसी प्लेयर रैंकिंग जारी की गई है इसके अंदर विराट कोहली को शीर्ष स्थान यानी कि फर्स्ट रैंक इसके अंदर मिला है, और ये स्थान प्राप्त करने वाली ये 7वें नंबर के भारतीय क्रिकेटर बन चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे पहले और भी जो भारतीय प्लेयर है वो इसमें शीर्ष स्थान पा चुके हैं, जिसमें जैसे कि जो हमारे सचिन तेंदुलकर है उनको भी इसमें टॉप स्थान मिल चुका है, ठीक है। बात करते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने बीमा उत्पादों को बेचने के लिए किस बैंक के साथ टाइप किया है या समझौता किया है? तो आपका राइट आंसर होगा विजय बैंक। देखिए जो विजय बैंक और जो HDFC लाइफ इंश्योरेंस है इन्हीं दोनों के बीच में ये समझौता हुआ है, जिसका मकसद है जो बीमा उत्पाद है उनको सेल करने के लिए ही इस समझौता हुआ है। देखिए विजय बैंक की हमने बात की है तो विजय बैंक जो है एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर के अंदर, और इसके जो अभी प्रेजेंट में CEO है वो है RA शंकर नारायण जो है इसके प्रेजेंट में CEO है विजय बैंक के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, हाल ही में सरकार ने स्टार्टअप अकादमिक संगठन कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो टारगेट है वो है उद्यमिता को बढ़ावा देना। देखिए उद्यमिता के क्षेत्र में ही ये इसकी शुरुआत की गई, जिसका नाम दिया गया है स्टार्टअप अकादमिक संगठन कार्यक्रम, ये जो शुरू किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, इसका टारगेट होगा उद्यमिता को बढ़ावा देना है, ठीक है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो इसका उद्देश्य मेनली जो वैज्ञानिक अनुसंधान और जो उनके औद्योगिक अनुप्रयोग है उनके बीच में एक जो अंतर है उसको कम करने के लिए, और जो उद्यमिता क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने के लिए ही इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने अपना अब तक का सबसे वजनी उपग्रह नवंबर 2018 में लॉन्च करने की घोषणा की है जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है फ्रेंड्स GSAT-11। देखिए GSAT-11 नाम से एक उपग्रह जो है इसरो ने अपना तैयार किया है, और ये अब तक का इसरो का सबसे वजनी उपग्रह है ये यहाँ पे बताया गया है, जिसको लॉन्च किया जाएगा नवंबर 2018 में। उसका जो मकसद है इसको तैयार करने का वो है इंटरनेट स्पीड को बढ़ावा देने के लिए इसको तैयार किया गया है। देखिए यहाँ पे बता दें इसकी जो डाटा ट्रांसफरिंग रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, यानी कि ये लगभग 14 GB पर सेकंड ये डाटा ट्रांसफर करने में सक्षम है, यहाँ पे घोषणा की गई है। देखिए अभी रिसेंटली अगर आप दोस्तों ने अगर आपने किसी ने RAS का पेपर दिया हो तो उसके अंदर सबसे हल्का उपग्रह पूछा गया था जो लॉन्च किया गया था रिसेंटली, ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया था, और ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, किस देश ने भारतीय मूल के लोगों में अंग प्रतिरोपण की समस्या से निपटने के लिए एक नए कानून बनाने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर होगा ब्रिटेन सरकार ने। देखिए ब्रिटेन सरकार ने ही ये एक नए कानून बनाने की घोषणा की है जो कि संबंधित है भारतीय मूल के लोगों में अंग प्रतिरोपण से संबंधित। देखिए जैसा कि यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, मतलब कि जो लोग हैं भारत के, वो वहाँ पे जाकर रह रहे हैं ब्रिटेन में, तो वहाँ पे अगर उनको कुछ परेशानी होती है जब से कुछ भी मतलब कि जो बीमारी वगैरह उनके होती है तो उनके जो
अंग प्रत्यारोपण की अगर वहाँ पे जरूरत पड़ती है तो वो वहाँ के लोगों का जो है अंग प्रत्यारोपण उनमें ट्रांसफर नहीं कर सकते एक दूसरे में, क्योंकि उनके जो वहाँ के लोग हैं उनका और हमारे इंडियन लोग का बिल्कुल भी तालमेल एक जैसा नहीं है। कुछ हाइट या फिर बोले तो उनका जो भी रंग रूप, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ जो है डिफरेंस होती है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए ही एक कानून का जो है निर्माण किया जा रहा है ब्रिटेन के द्वारा, ये घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आपका जो आज का क्विज है इसका आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में किसने आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी है या पारित कर दिया है। तो जिसने भी इस कानून को मंजूरी दी है वो उसका आपको राइट आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में, जिसका डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में इतना ही। आई होप आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। साथ ही वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक प्लस ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इसका बेनिफिट मिल सके। और जो दोस्त पहली बार अपने चैनल पर विजिट कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाना ना भूले। साथ ही साइड में बेल आइकन है उसे जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि ऐसी जो हमारी डेली की आगामी वीडियो होंगी वो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी बिना मिस हुए। सो अभी के इस लेसन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।